हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की वीडियो बताने वाला हूँ सेमेस्टर 6 का DSC 4 का ग्रुप बी। ठीक है, आपको इतना क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, टाइम बचता है तो मैं आपको आंसर भी करवाऊंगा। भारत में संघवाद की विवेचना तथा विकास की विवेचना करना है, और वो भी कब से? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के संदर्भ में। ठीक है ना। दूसरा, कि भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों तथा उनके संबंधित प्रक्रिया पर प्रभाव का वर्णन करना है। ठीक है, देखो प्रमुख क्षेत्रीय दलों तथा उनके संघीय है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दलों तथा उनके संघीय प्रक्रिया पर प्रभाव का वर्णन करना। तीसरा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का वर्णन करना। चौथा, राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ है, इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत में आपातकाल में केंद्र तथा राज्यों में संचालित शासन व्यवस्था की विवेचना करना है। और आपके पास जो 6 क्वेश्चन है वो भारत में संघवाद की न्यूनतम प्रवृत्तियाँ तथा संभावना का वर्णन करें। ये आपके पास 6 क्वेश्चन है जो कि आप सभी को क्या करना करके जाना है, और हम इसके बाद MCQ क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, और इसका हो सकेगा तो मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा आज। ठीक है ना, तो आप लोग हमसे जुड़े रहना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।